नमस्कार। आज हम लोग बनाने वाले हैं हरी मिर्च का तीखा चटपटा अचार, जिसे आप एक बार बनाइए 5 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाता है। और जब तक जी चाहे आप इसको खाइए, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। बस जो टिप्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगी, उन्हें फॉलो करते जाना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हरी मिर्च का ये चटपटा सा अचार बनाने के लिए हमने 200 ग्राम हरी वाली मिर्च ली है। इन्हें धो करके सुखा लिया है अच्छे से। आप इसे पानी से निकाल करके रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, या फिर कपड़े से पोंछ लीजिए, पर इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छी सूखी मिर्चें होनी चाहिए अचार बनाने के लिए। अब हम ये मिर्चें काट लेंगे। तो काटने के लिए हम कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कैंची से कट करने से हमारे हाथों में ये नहीं लगता है। और हाथों में जो तीखी मिर्च लगने लग जाती है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वैसे आप चॉपर से या कैंची से जैसे चाहें काट ले। तो इसे हम फटाफट से काट करके तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम इसके मसाले देखेंगे। तो यहाँ मसालों के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, और इसमें जो थोड़े से मसाले डालने वाले हैं हम ना, उनको डाल देते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम डालेंगे मेथी दाना। आधा चम्मच मेथी दाना ले लिया है हमने, बस 200 ग्राम के लिए रेडी कर रहे हैं। 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, और 2 चम्मच हम मोटी वाली सौंफ लेने वाले हैं। इन तीनों चीज़ों को हमें रोस्ट करना है, बाकी जो भी चीज़ें ऐड करेंगे वो रोस्ट नहीं करनी है। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करने वाले हैं। इन्हें रोस्ट करने के बाद इनको मोटा मोटा सा हम पीस लेंगे। तो इसे इस तरह से पैन में थोड़ा सा हिलाते हुए स्पून की मदद से चला लेते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत बढ़िया सा भून करके तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया सी इसमें से खुशबू भी आनी शुरू हो गई। तो इस स्टेज पे हमने 1 बड़ा चम्मच भर के पीली सरसों भी यहाँ डाल दी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, बस इसको डाल दिया ताकि इसमें जो मॉइस्चर वगैरह हो निकल जाए। अब ये मसाला ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए, मसाला ठंडा करके हमने मोटा मोटा सा पीस लिया है, वो बनके रेडी हो गया है। इसके साथ हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च बस कलर के लिए डाल रहे हैं। तो आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1.5 चम्मच हमने नमक लिया है, 1/4 चम्मच हींग लिया, और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया, और मस्टर्ड ऑयल फिलहाल हम 4 चम्मच से 5 चम्मच तक यूज करेंगे। यहाँ सारी मिर्चें बन करके कट करके तैयार थी, तो इसमें हमने पहले वो भुना पिसा मसाला डाल दिया है पूरा। फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, तीखी नहीं होती है। हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाल दिया है 1 चम्मच, हींग डाल दिया है, नमक डालेंगे, और साथ में इसमें ऑयल डाल देंगे। जैसा कि मैंने बताया, अभी हम 4 से 5 चम्मच ही यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे। अगर आपको कच्चे मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे गर्म करके ठंडा कर लीजिए, फिर यूज कीजिए। वैसे मिर्च के अचार में इसका तीखा टेस्ट ही अच्छा लगता है, तो मैं इसे ऐसे ही डाल रही हूँ। तो सभी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब इन्हें फटाफट मिक्स कर लेते हैं। तो स्पून से ही मिक्स कर रही हूँ मैं, ताकि हाथ में मिर्ची ना लगने पाए, इसलिए हमने स्पून से मिक्स कर लेंगे। और फटाफट मिक्स भी हो जाती है, इसमें कोई स्टफिंग नहीं करनी है मिर्च के अंदर हमें मसालों की, झट से मिक्स हो जाएगी। इसे मिक्स करेंगे, और लास्ट में हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, ताकि ये तुरंत खाने के लिए तैयार हो जाए। लेमन जूस डाल करके इसको तुरंत खा सकते हैं। वैसे इसे धूप में रखना है कम से कम 1 हफ्ते के लिए, फिर ये बहुत ही बढ़िया सा खट्टा सा अचार रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने सरसों डाली है, उसकी वजह से अचार अपने आप ही खट्टा हो जाता है। तो ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया सा हर पीस मसाले से कोट हो गया है, बिल्कुल बढ़िया सा ये अचार रेडी हुआ। तो 1 बड़े साइज़ का नींबू हमने लिया था, जिसका रस निकाल लिया, और वो हम इस स्टेज पर डाल देते हैं ताकि इसे झटपट खा सकें। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और इसके अलावा यहाँ पे आप विनेगर ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस नहीं है तो आप विनेगर डाल दीजिए, जो भी अवेलेबल हो, गन्ने का, सेब का, या फिर वाइट विनेगर, जो भी अवेलेबल हो वो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया ड्यूरेबल सा ये अचार बन के तैयार होगा। तो ये इसका कलर बहुत बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया ही ये अचार बन के तैयार होता है। इसे हमें धूप दिखाना है 1 हफ्ते के लिए कम से कम। धूप दिखाने के बाद अगर आपको इसे लंबे समय तक रखना है, 1-2 महीने तक, तो ये ऐसे ही चल जाएगा इतने ही ऑयल में। अगर आप लंबे समय तक के लिए बना रहे हैं, तो धूप दिखाने के बाद, यानी कि कम से कम 1 हफ्ते के बाद में, इसको प्रेस करके अच्छे से दबा करके जिस जार में रखा है उसमें भर दीजिए, और फिर ऊपर से ऑयल से उसे कवर कर दीजिए। तो यहाँ ने एक साफ सूखा कांच का कंटेनर ले लिया है, इसमें पूरी मिर्चें डाल देंगे, भर देंगे अच्छे तरह से, और इसे धूप में रखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, जब ये पूरा धूप खा चुकेगा, फिर हम इस दबा के भरेंगे, तो ये 1/4 जार ही बचता है, मतलब इसमें 1/4 हिस्सा इसका दब जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि गल जाती है मिर्चें। फिर उसमें ऊपर तक तेल डाल दीजिए, अगर आप लंबे समय तक रख रहे हैं, 1-2 महीने के लिए।
ये आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं और ऑयल नहीं डालना है। तो ये टेस्टी सा मिर्ची का तीखा चटपटा सा अचार बन करके रेडी है, जिसे आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा और आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। तो यहाँ मैंने इसे धूप में रख दिया है, धूप में रखना है हमें कम से कम एक हफ्ते के लिए, तब ये बिल्कुल बढ़िया सा रेडी होगा और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसे बनाइए, खाइए, रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। Till then, bye bye, have a nice day.